हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप सब? बच्चों मैसेज आप होस्ट वाले पे करना, ठीक है? को होस्ट वाले पे नहीं दिख रहे मुझे। तो सबकी तैयारी चल रही है पूरी जोर शोर से? हाँ चलो, अब तो थोड़ा टाइम रह गया है ना, इसमें लगा दो पूरा जोर। ठीक है, चलो करते हैं बच्चों शुरू डिस्कशन। इसमें बताओ मुझे, पेपर वन, फुल टेस्ट टू, पेपर वन, इसमें जो डाउट्स हैं बताओ बच्चों, जैसे भी आपको सही लगे। अनम्यूट करके पूछना, अनम्यूट करके पूछ लो। चैट पे लिखना, चैट पे लिख दो, एज यू फील कंफर्टेबल बता दो। आज आई विल बी डिस्कसिंग पेपर टू, पेपर वन मैं अलग से करूंगा बच्चों, उसका आपको बताएंगे अलग से। इसमें क्या करना है, देखो जी, आपको अच्छा, ये अगर वैसे आपको याद हो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके एडवांस वाले टेस्ट में आया था। आप बच्चों ये अपनी तरफ से एक जो रिमेनिंग हेमिस्फीयर है उसको ड्रॉ कर लो, ठीक है? वन टू, और हम पॉइंट्स ले लेते हैं पी एंड क्यू लाइक दिस, ठीक है? और हमें स्फीयर का रेडियस पता है और उसकी डेंसिटी रो पता है। तो आपको ये गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू वन इज इक्वल टू माइनस ई जे कैप, और आपको यह भी पता है कि अगर मैं पी पर वन और टू दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दूं, वो क्या बनेगी? पूरे स्फीयर के कारण टू आर डिस्टेंस पे जो बनेगी, राइट? तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसके साथ बच्चों मैग्नीट्यूड क्या डलेगा, इसके साथ मतलब क्या डलेगा जे कैप माइनस जे कैप में से?
माइनस जे कैपिटल है ना, अब यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू टू निकाल लोगे, तो अब आप फिगर से ये देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू टू और इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू ड्यू टू वन, क्या ये सेम होगी बच्चों? जैसा पॉइंट पी है टू के लिए बिल्कुल वैसा पॉइंट क्यू है वन के लिए, तो यस मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन में फर्क होगा। तो ये हम सारे वेक्टर्स ही लिख रहे हैं। तो बस इससे आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा, इससे आंसर निकल आएगा। ठीक है, इससे आपका अच्छा, मैंने बच्चों ग्रेविटी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया बार बार, राइट? वो है तो ग्रेविटेशनल फील्ड, एनीवेज कंसेप्ट तो बिल्कुल सेम है। इससे बच्चों क्या आंसर आता है? इससे सी आता है क्या? नहीं, अगर मैं दोनों क्वेश्चंस को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई विल गेट ए ही आएगा। हेलो सर। यस सर वैसे अगर लॉजिकली भी करें बिना सॉल्व करें तो ए तो सीधा भी रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ए के अंदर जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव है। तो ए के हिसाब से ये कह रहे कि जिस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन नीचे होगी बट असल में ऊपर होगी। ये टर्म नेगेटिव बन रही है क्या? हाँ सर, क्योंकि वो ई माइनस होल स्पीयर का है ना, और स्पीयर का ज्यादा होगा। हाँ,
इसको जीएम से रिप्लेस कर देंगे, है ना। इनकी फोर की टर्म कहाँ गई? चलो क्योंकि वो टू आर डिस्टेंस पे है ना पॉइंट, तो डिनोमिनेटर में टू टू आर आर स्क्वायर होगा। डिस्टेंस है, ये 4 r² आएगा। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें, 2 - 1 करें, ए बन तो रहे यार। नहीं सर वो देखो ए का मैग्नीट्यूड नेगेटिव है ना, क्योंकि वो हेमिस्फेयर माइनस पोल स्फेयर का है, तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस जे कैप में आ जाएगा। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो आप कहीं, मतलब ये बन तो रहा है बिल्कुल ठीक इस तरह से। फिर इक्वेशन से भी तो सी ही आ रहा है। नहीं सी का आ रहा है ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसमें से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये फिर वन उसके साथ पॉइंट एक, तो फिर उसके साथ बाद में एक माइनस भी तो लगाना है। हाँ सर वो माइनस जे कैप का माइनस हो जाएगा ना, वो माइनस जे कैप का प्लस जे कैप बन जाएगा। हाँ फिर उसे उसकी आ जाएगा। एक मिनट लिख ही लेते हैं ना, इतना क्यों। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी डू टू टू इज इक्वल टू हाँ ठीक है, ये सी बन गया। आप अच्छा आप क्या कह रहे थे कि ए गिवन था? सर इसमें ए गिवन है आंसर की में। नहीं नहीं सी आएगा। ठीक है, बाकी लोग भी समझ गए ना बच्चों कैसे किया मैंने? ये सारे स्टेप्स क्लियर ही हैं लेफ्ट पे जो लिखे हुए हैं, है ना। चलो आगे,
फिफ्थ क्वेश्चन में फोर्स कैसे कैलकुलेट करें, किसमें? स्ट्रेस, फिफ्थ क्वेश्चन में स्ट्रेस। इसमें आप क्या करोगे कि जैसे जो आउटर शेल है वो आधे का बना दो फिगर, तो उसके ऊपर अंदर वाली शेल के कारण हर पॉइंट पे जो फोर्स लग रही होगी वो इस तरह से लग रही होगी। अंदर लग रही होगी ना ग्रेविटेशन? हाँ उल्टा कर दो। ये ऐसे लग रही होगी, ठीक है? तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड बनेगा, क्योंकि डिस्टेंस सारे सेम है, इस फोर्स का जो नेट बन जाएगा, मतलब ये कहने को तो इंटीग्रेशन से आप निकाल सकते हो, बट सीधा आप बता सकते हो कि ये वो जो एरिया ऑफ प्रोजेक्शन वाला कंसेप्ट होता है ना, उससे आप ये वाला एरिया लेके उससे निकाल लोगे। चाहे तो सीधा वो फॉर्मूला यूज कर लो जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर में करते हो, सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट, उसको इक्विवेलेंट बना लो। तो चाहे वो कर लो, चाहे ये सारी फोर्सेस का आप हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट ले लो जो बनेगा, ठीक है? वो बेसिकली प्रेशर इनटू पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो अब इसको किससे इक्वेट करना है, देखो ये मतलब इस तरीके से है, ये एक थिक लेयर है, ठीक है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमने देख लिया कि ये अंदर को लगेगी, तो जो इसकी वो साइड बन रही है पतली सी, उसके कारण जो फोर्स लगेगी वो बाहर को लगनी पड़ेगी। ठीक है ना? तभी वो इसको रोक के रखेगा। तो अब ये फोर्स कितनी हो जाएगी, ये फोर्स आपने यहाँ एफ निकाल ली, तो इस फोर्स को भी एफ ही होना पड़ेगा बैलेंस होने के लिए। तो अब जो स्ट्रेस आएगा वो क्या हुआ, एफ अपॉन ये जो अब ये जो रेड वाला एरिया बन रहा है, जो पट्टी सी बन रही है उसका एरिया, वो क्या बन गया, टू पाई आर टी। समझ आया? सर। तो इससे निकल आएगा आंसर। आगे एट के अंदर सीओडी ऑप्शन इन्होंने सेम ही दे रखे हैं, करेक्शन होगी।
करेक्शन होएगा कुछ। आगे बताओ। नाइन्थ में कांस्टेंट करंट सोर्स है, तो आइडियल अमीटर है, तो मतलब जीरो रेजिस्टेंस हो गई। यहां से आईएस करंट आ रहा है, तो अब यहां पे आपको किरचॉफ लगानी पड़ेगी। ये वैसे अगर आप ध्यान से देखो वो बन रहा है, मतलब वो जो व्हीटस्टोन ब्रिज में होता है ना कि दूसरी साइड उल्टी बन रही है, लेफ्ट साइड देखो 2R 4R है, इस साइड 4R 2R है। तो अगर इधर x जाएगा तो इधर i माइनस x जाएगा, बाय सेम लॉजिक इधर से x आएगा और इधर से i माइनस x आएगा। उल्टा बना दिया मैंने, मतलब यहां से i माइनस x और यहां से एक्स, तो बस अब तो बस यहां से बस किरचॉफ लगानी है। ठीक है, आगे एंड के अंदर सी कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? बॉक्सेस हैं, आइडियल गैस, टेम्परेचर एक का ज्यादा है, वॉल्यूम सेम है, तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई ना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होती है? दैट इज F/2 kT। अब आपको कुछ पता ही नहीं है कि F क्या है दोनों गैसेस का। आगे बच्चों 11 सॉरी सर, वो मैंने गलती से गलत बोल दिया, 12th पूछना था, सॉरी।
सर इलेवेंथ भी बताई दो। इलेवेंथ में बस क्या है कि जो ब्लेड्स हैं वो एयर को नीचे को धक्का मार रहे हैं विद स्पीड वी, ठीक है, तो बेसिकली ऐसे केस में फोर्स क्या होती है, रो ए वी स्क्वायर। तो बस आपने रो ए वी स्क्वायर को एमजी से इक्वेट करना है, एरिया जो है वो आपका पाई आर स्क्वायर बन गया। ठीक है, पावर जो है वो फोर्स इनटू वेलोसिटी हो जाएगा। वैसे इसके अंदर सर एक थोड़ा सा अलग डाउट होता है कि इसके अंदर बंडोली एप्लीकेबल होगी ऊपर से नीचे तक जो एयर स्ट्रीमलाइन आ रही है। डिपेंड करता है, क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं हुआ मतलब कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसके अंदर बच्चों सबसे पहले तो हमें मतलब एक तरह से वॉल्यूम कंजर्वेशन करनी है, ये बेसिकली एक डिस्क बन रही है ना, दिस इज अ डिस्क ऑफ वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल। समझ आ रहा है बच्चों, ये रेडियस आर अगर मैं ऐसे पूरा मानता हूं तो व्हाट शुड बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, डी बाय डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर एल, दिस शुड बी इक्वल टू क्यू। तो ये क्या बन गया, पाई एल टू आर डी आर बाय डी टी इक्वल टू क्यू, डी आर बाय डी टी बन गई फ्लो वेलोसिटी। तो दिस वी कैन सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसका एक तो बी आएगा और जो प्रेशर वाला है बच्चों वो बर्नौली लगा दो बस। सर इसके अंदर वो क्यों नहीं एप्लीकेबल कि ना वाटर सेम सेम वॉल्यूम आ रहा है पर यूनिट टाइम और एरिया भी सेम है तो वेलोसिटी भी सेम ही रहेगी। कैसे सर कि वो वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है ना, वो हम तब लगाते हैं कि वो तो हम इस तरह लगा देते हैं कि हमने कोई छोटा सा पोर्शन लिया पाइप का उसके अंदर सेम वॉल्यूम है कि जितना वॉल्यूम एंटर कर रहा है जी उतना एग्जिट कर रहा है। यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि इस रीजन के अंदर वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है ना पानी का, मतलब ऐसा नहीं हो रहा ना कि जितना वॉल्यूम आपने डाला उतना वॉल्यूम बाहर ही निकल गया, उससे अंदर वाले रीजन का वॉल्यूम बढ़ भी तो रहा है। आगे
13th क्वेश्चन में एक तरफ 4F लगी, एक तरफ 2F लगी, तो सबसे पहले तो बच्चा हम ये समझें कि हीट जनरेट होएगी कैसे। बेसिकली रॉड मान लो, राइट की तरफ जाती है, तो और एक ये रॉड जो है वो कुछ इलोंगेट भी होगी, तो हमें बच्चों एक तरह से ये निकालना है कि वर्क डन बाय फोर्सेस माइनस द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर हो गई रॉड के अंदर, दैट इज द हीट प्रोड्यूस। तो इसको अर्थ फ्रेम में तो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमें इसके लिए जाना पड़ेगा रिलेटिव फ्रेम में। ठीक है, तो रिलेटिव फ्रेम के लिए बेस्ट क्या रहेगा कि वी गो इनटू द फ्रेम ऑफ सीएमई। तो आप इसके सीएम के फ्रेम में जाओ, तो सीएम के फ्रेम में जो सीएम की एक्सेलरेशन हो गई वो हम देख सकते हैं कि वो हो गई एफ बाय एम। तो सीएम इस पे सीएम के फ्रेम में मतलब इस बॉडी के ऊपर जो स्यूडो फोर्स लगेगी
काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि स्यूडो फोर्स भी इसके हर पार्टिकल पे लगानी पड़ेगी, तो इफेक्टिवली आप ये इसके सेंटर पे लगेगी स्यूडो फोर्स इधर को, और ये F/2 हो जाएगी क्योंकि राइट साइड वाले पार्ट का जो मास है वो M/2 हो गया। सिमिलरली लेफ्ट साइड वाले का इधर को हो गया, छोड़ दो बचा, बहुत ही लंबा सा बन जाएगा, वेरी कॉम्प्लेक्स। और वैसे भी मतलब इसमें हमें जो वर्क एनर्जी है वो रिलेटिव फ्रेम में लगानी पड़ रही है, हम मतलब हमारे को कभी हमारे सिलेबस में होता नहीं कि रिलेटिव में हमें वर्क एनर्जी वगैरह लगानी पड़े। ठीक है, आगे 14th, तो बच्चों इसके अंदर अगर तो हम एक तो हमें ये दिया हुआ है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जो है वो 90 है, तो मतलब यहां पे जब हम कट करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल आ गई टेंशन, राइट, इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि स्ट्रिंग के हर पार्ट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो टेंशन होगी वो
मतलब वो तो सेम 90 होएगी। हाँ भाई बोलो। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल यस सर, हर जगह, क्योंकि मैं कहीं पे भी कट करूंगा तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वैसे ही बनेगा। यस सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हमें लेना है तो इस पॉइंट पे जो रेडियस बन रहा होगा, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, इफ दिस इज थीटा देन ये भी थीटा हुआ। तो बच्चों अगर हम ये जैसे इतना पार्ट है ऐसे, है ना, इसी का एफबीडी बना दें, यहाँ हमने एंगल देख लिए तो ये टेंशन टी, सो वी विल गेट टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी जो इस पार्ट का है, और टी साइन थीटा जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। एक सेकंड हो जाओ, कोई एंगल्स में गलती ना हो जाए।
तो देखो बच्चों, एक बार दोबारा देख लो बच्चों, एक सेकंड होल्ड करना सर। हाँ जी बच्चों, तो अब अगर हम यहाँ पे इसका एंगल थीटा लेते हैं, तो इस टेंशन को ऐसे लिख लो, तो टेंशन का जो कॉस थीटा कंपोनेंट है बच्चों वो 90 हो जाएगा, वो जो फोर्स दी हुई है। टेंशन का जो साइन थीटा कंपोनेंट है वो mg हो जाएगा, वेयर mg इज मास ऑफ दिस मच पोर्शन। ठीक है, जस्ट अ मिनट बच्चों,
हाँ जी बताओ। तो बस अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करके यू गेट टैन थीटा इक्वल टू एम जी बाय 90। इसको करो डिफरेंशिएट, सो यू गेट सीकेंट स्क्वायर डी थीटा इज इक्वल टू जी बाय 90 इंटू डी एम। ठीक है, अब बात बची कि डीएम कैसे लिखें। डीएम है एक बहुत छोटे से पोर्शन का मास, ठीक है, तो इसका जो भी कर्वेचर रेडियस बन रहा होगा ठीक है, ये जिस भी सर्कल का रेडियस बन रहा होगा तो इधर से ये एंगल थीटा हो गया, अगर हमने इधर इस एंगल को थीटा लिया तो डीएम बन जाएगा एक छोटा सा एंगल हमें ये भी दिया हुआ है मास पर यूनिट लेंथ, तो डीएम आपका बन जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू इतने से पोर्शन की लेंथ, इतने से पोर्शन की लेंथ बन जाएगी आर डी थीटा। इसको ऊपर सब्स्टिट्यूट करो, डी थीटा आपका कट जाएगा, उससे निकल आएगा बच्चों, बट मतलब ऐसे क्वेश्चंस बच्चों आते नहीं, मतलब बिल्कुल ही ट्रिकी सा क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल एक पर्टिकुलर तरीके से सोचोगे तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आगे बच्चों, वेवलेंथ ऑफ साउंड रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर देन सोर्सेस 16 16। तो आपको ये कहा है कि डीएम बाय डीटी इज 2.5 एमवी, ठीक है, ये समझ आया मैंने कैसे लिखा डीएम बाई डी टी। तो बच्चों जो फोर्स आ जाएगी, फोर्स इज वो यूज करोगे आप डी बाई डी टी ऑफ एम वी, तो ये बन जाएगा वी डी एम बाई डी टी। तो इस फोर्स को हमने एम जी से इक्वेट करना, उससे निकल आएगा। अच्छा, इसमें वी सारा टाइम कांस्टेंट रहेगी?
नहीं नहीं मतलब जब टर्मिनल हो जाएगी तब. ओके सर. आगे बचाओ. ध्यान रखो पेपर टू करो ओपन. सर वो 13 के अंदर एक छोटी सी चीज सोच रहा हूँ कि उसके अंदर इलास्टिक एनर्जी बता सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम अगर वर्क डन करने में आ रही है फोर्सेस का. इलास्टिक एनर्जी तो निकाल सकते हैं. मतलब वो तो जो रॉड की इलॉन्गेशन होगी उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो. हाँ सर वो इन्होंने अलग निकाली हुई थी. और सर वर्क डन मैंने ऐसे सोचा था कि मतलब फोर्स इनटू वो डिस्प्लेसमेंट से ही कर देंगे सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाके, तो वो क्यों कर लेता सर? जो फोर्सेस का वर्क डन है. हाँ जी सर. नहीं गलत तो नहीं है, ठीक है, वर्क डन तो वैसे ही निकलेगा. हाँ सर वो 3/2F इनटू डेल्टा एल कर देंगे उसे. नहीं 3/2F कैसा है? वो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जब गए थे दोनों तरफ फोर्सेस 3/2F आया ना. कैसे आई वो? वो मतलब पहले तो वो वैसे तो मैंने वैसे ही सोच लिया था सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सारी फोर्सेस बैलेंस हो जाती है, बट अगर वैसे करें तो F/M इसकी एक्सेलरेशन आ रही है. नहीं सारी फोर्सेस बैलेंस तो नेट फोर्स जीरो हो गई ना, बट वो फोर्सेस लग किस किस पॉइंट पे रही है ये भी तो देखना पड़ेगा. मतलब एंड्स पे नहीं मानेंगे? नहीं ये क्या जरूरी है. अच्छा वैसे कि वो सूडो फोर्स तो हर एक पॉइंट पे लग रही होगी वैसे. एग्जैक्टली हाँ चलो बच्चों आगे पेपर टू. हाँ बच्चों कोई हेड आउट इसमें? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, पता नहीं शायद तो मुझे नहीं दिख रही है. एक सेकंड. तो ए डिस्टेंस अगर हम किसी भी इंस्टेंट पे एक्स मानते हैं. ये नहीं समझ में आता क्वेश्चन के अंदर क्या सिनेरियो दे रखा है वो पूछना क्या चाहते हैं. हाँ डिस्टेंस वेरी कर रहा है, जो इसके ऊपर चार्ज होगा वो तो सीधी ही होगा हमेशा कैपेसिटर के ऊपर. तो अब जो करंट बन गया वो DQ/DT बन गया, तो वो बन गया V into DC/DT. C के अंदर आपके जो टर्म बनेगी वो बनेगी εo A/x, x is d0 plus a cos omega t. तो इसको आप अब डिफरेंशिएट करोगे तो उससे आपका सी और डी में से आंसर बन जाएगा. अच्छा सर मतलब ये कैपेसिटर ब्रेक क्यों करा वो मैक्सिमम करंट पाइप वैसा हो गया. हाँ हाँ जो ब्रेकिंग वोल्टेज आ जाती है. ठीक है.
आ गए। तो यूनिफॉर्म स्फीयर में से जब कैविटी निकालते हैं तो हमें पता है कि उस कैविटी के अंदर, अच्छा ये तो वैसे कंडक्टिंग स्फीयर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायपोल रख दिया, ये आपको कुछ डिस्टेंसेस दे दिए। तो ए और बी पॉइंट्स तो कंडक्टर के ऊपर ही हैं, तो वहां पोटेंशियल सेम होगा, ए तो आएगा ही आएगा। नाउ हाउ डू वी फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी? तो वह पॉइंट पी पे तो सीधा वो डायपोल के कारण ही बनेगा ना पोटेंशियल, तो सीधा डायपोल की कंडीशन लगा के के पी डॉट आर बाय आर क्यूब उससे निकल कर, कंडक्टर के कारण तो कोई बनेगा नहीं क्योंकि कंडक्टर के तो अंदर वाली साइड भी चार्ज इंड्यूस जीरो है, बाहर वाली साइड भी चार्ज इंड्यूस जीरो है, तो कंडक्टर के कारण तो कुछ आना नहीं, सिर्फ डायपोल के कारण ही आना। जीरो दे रखा अच्छा सर, वो इन्होंने वैसे करा होगा कि डाइपोल के अंदर नेट चार्ज जीरो जाता है, तो सरफेस के ऊपर नेट चार्ज जितना बनता है जितना अंदर नेट चार्ज है, तो सरफेस पे नेट चार्ज जीरो बन जाएगा। नहीं वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट पॉइंट उससे वो तो किया है इसी कारण से हमने, सरफेस के कारण तो पोटेंशियल जीरो बोल ही दिया कि सरफेस के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं आया, अंदर इंड्यूस चार्ज की वजह से कैंसिल हो जाए अंदर वाले स्फीयर के अंदर, मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ना आए, तो इसलिए अंदर का सारा कुछ अंदर ही कैंसिल हो जाता है। अच्छा एक मिनट, जो मैंने बोला था पहले उसमें थोड़ी गड़बड़ ये थी कि आउटर सरफेस पे तो चार्ज इंड्यूस जीरो बन जाएगा, यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होएगा वो कुछ, मतलब वो तो कुछ नॉन यूनिफॉर्म सा होगा। यस सर, तो वो ऐसे इंड्यूस होगा ना कि इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दे, इस ये जो छोटा वाला स्फीयर है इसके बाहर हट जाएगा। क्या फिर बोलो? हाँ वो जीरो कर देगा, यस। हाँ तो बाहर भी जीरो और इसका वो इंड्यूस चार्ज इसने जीरो कर दिया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के बाहर जीरो आएगी। यस। तभी किया होगा नहीं बट
हमें तो पोटेंशियल निकालना है ना सर, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं आएगा। तो कांस्टेंट पोटेंशियल तो आ सकता है, वो तो सर इनफिनिटी पे जीरो मानते हैं, यहाँ पे भी जीरो ही हो जाएगा फिर, जगह जीरो। नहीं नहीं नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं हो। एक सेकंड बस, कहीं मैंने कुछ बोलने में गलती की है। देखो ये तो छोटा स्फीयर है, इसके बाहर हर जगह फील्ड जीरो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो मतलब पोटेंशियल तो कांस्टेंट ही होगा हर जगह, चाहे ए पे बोलो, चाहे पी पे बोलो, चाहे कहीं भी और बोलो, बी पे बोलो। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगी, तो जस्ट थिंक हाउ कैन यू कमेंट अबाउट द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। क्या कोई ऐसा पॉइंट है, लॉजिक में क्या प्रॉब्लम है क्या कि इन्फिनिटी पे अपने जीरो मानते हैं और बाहर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो हर जगह स्पेस के अंदर जीरो ही होगा फिर पोटेंशियल। मतलब अगर कहीं पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो वो छोटे वाले स्फेयर के अंदर कहीं पे आ सकता है, उसके बाहर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। तो पी पे जीरो वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज को इन्फिनिटी से पी पे लाने में कोई वर्क डन ही नहीं होगा। पोटेंशियल तो अपने ऐसे कहते हैं कि वर्क डन जो होता है एनर्जी, यस तो उससे आ जाएगा फिर। आप कह रहे हो कि इन्फिनिटी पे जीरो है और उस कारण से मतलब भी कोई बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसलिए पी पे भी जीरो हो गया, ये कह रहे हो? यस सर। हाँ मतलब वो तो हो ही गया, मतलब उस तरह तो निकाल दे सकते हो। मेरा मतलब भी कोई और तरीके से भी निकलना चाहिए। क्योंकि बेसिकली अपने पोटेंशियल वर्क डन की वजह से डिफाइन करते हैं, तो इस हाँ चार्ज का तो स्पेस के अंदर ठीक है, कहीं पे मूव करने वर्क डन ही नहीं होता।
ठीक है, आप सिमेट्री से भी निकाल सकते हो ना, अगर आप एक पॉइंट यहां ले लो, लेट से मैं एक पॉइंट यहां ले लू, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा वो डाइपोल के कारण भी जीरो आएगा, और हम सिमेट्री से कह सकते हैं कि स्फीयर के ऊपर भी चार्जेस जिस तरह से भी इंड्यूस होंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट ही बनेंगे, तो उससे भी जीरो ही बनेगा क्योंकि नेट चार्ज तो जीरो ही इंड्यूस हो रहा है स्फीयर के ऊपर, मतलब कि जो जैसा भी चार्ज एक तरफ इंड्यूस होगा बिल्कुल उसका उल्टा दूसरी तरफ इंड्यूस होगा, तो उस कारण से सरफेस पे इस वाले जो मैंने रेड डॉट बनाया यहाँ जीरो ही बनेगा, और एक पॉइंट पे जीरो आ गया तो उसके आगे फिर हर जगह जीरो आ ही जाएगा ना। आगे सेवेंथ के अंदर, इसमें सेवेंथ में आंसर गलत दिया हुआ है, एक चीज होती थी मतलब डी ऑप्शन, वैसे तो आंसर निकाल दिया था बच्चे से, बट ना इसमें सिर्फ डी आएगा सेवेंथ में। अच्छा सर, डी नहीं आएगा ना? नो, 4.8 होगा सर। सर तो जो इन्होंने कर रखा है वो क्यों कर लेता है मतलब? क्या इन्होंने क्या किया मुझे पता नहीं सर, मतलब मान लो किसी कोई वाटर जो वी वेलोसिटी से चल रहा है तो उसको रोकने के लिए फोर्स लगेगी रो ए वी स्क्वायर, और अगर उसको अपोजिट डायरेक्शन उतनी वेलोसिटी चलाना है रिबाउंड कराना है तो डबल फोर्स लगा दें। नहीं नहीं वो डीएम बाय डीटी भी तो है ना, मतलब वो भी तो चेंज होगा, पानी ज्यादा जल्दी भी तो पहुंच रहा है दीवार की तरफ, तो इससे में तो बेस्ट तरीका यह है कि दीवार के फ्रेम में चले जाओ उसमें सॉल्व कर दो। आगे हाँ बच्चों और कोई है? बोलो भाई। नाइन्थ थोड़ा सा बता दो, लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी। इस टाइप की सिचुएशन सोर्स यहाँ पे, और मतलब सोर्स इस लाइन पे जा रहा है और लिस्नर है इससे, फिर हो जाएगा है ना, वो एकदम देख के ऐसा लगता है कि वहीं पे ही है, उसी के ऊपर ही है लिस्नर, उसी लाइन पे, फिर क्लियर नहीं होता। ठीक है जी, डन।
चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, थैंक यू सर, थैंक यू सर।